नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते बेस्ट मल्टीपेगा शेयर एनएससी का पैनी शेयर। ठीक है, जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत टूट गया था, मैंने आई थिंक स्टॉक को 60-70 पैसे में आपको सजेस्ट किया था, 25 पैसे तक स्टॉक आ गया था, 25 पैसे तक, 30 पैसे तक मतलब बेसिकली। तो 30 पैसे तक देर लकली, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया पैनी स्टॉक का, 1/10 इन्वेस्ट करो हर 10% टूटने पर, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और जब 25-30 पैसे ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था करोड़ों का धंधा बिजनेस हो रहा है स्टॉक में, दिमाग लाओ पैसे कमाओ, सिंपल है। क्या बोनस स्प्लिट सब कुछ स्टॉक दे रहा है, ठीक है, करोड़ों का यहाँ पर धंधा हो रहा है भाई। ठीक है, एनएससी बीएससी का पैनी स्टॉक है, तो आप लोग क्यों पीछे हो, थोड़ा सा रिस्क ले लो ना भाई। 99.99% स्टॉक टूट चुका था एंड आज देखो स्टॉक ऑलरेडी 2 या 3 दिनों में 10% 20% का गेन दे रहा है, और ये जस्ट एक शुरुआत है। ठीक है, स्टॉक 4-5 रुपए का था जब स्टॉक ने, कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया था, और अब 25 पैसे सपोर्ट लेके 50 पैसे हो चुका है। लकली मेरी जो एवरेजिंग बैठी स्टॉक पे 40 पैसे बैठी, और मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक पे अभी दिख रहा है। अब ध्यान सुनना, आई एम नॉट रिकमेंडिंग सजेस्टिंग कि स्टॉक को बाय करो, प्लीज खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। नहीं है कोई अगर आपका तो प्लीज रूल्स को फॉलो करो, जो रूल्स मैंने आपको बताया कि हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पेनी स्टॉक में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्ले किया जाता है, मतलब कैसे बाय किया जाता है, कैसे आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है एक अच्छी एंट्री बनाने के लिए। कभी कभार तो 1 रुपए का शेयर होता है, मैं खुद आपको बोलता हूँ भैया वेट कर ले, ये स्टॉक 60 पैसे आएगा, और वो आता है वहां पर। ठीक है, तो इससे तो यही तो चाहिए मार्केट में कि आपको पेशेंस चाहिए। 80% काम है आपका सिर्फ इंतजार करना हाथ जोड़ कर कि भैया नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, और जब वो नीचे आए तो आपको रेडी होना है बाय करने के। उस समय किंतु परंतु नहीं करना कि भैया क्या हो जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं है, नीचे जा रही है, मार्केट क्रैश हो रही है, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपना डिसीजन वहां पर अप्लाई करना है कि भैया मैं बाय करूंगा तो करूंगा, जो रूल्स आपने बनाए। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल आंसर बताता हूँ, उसका एक तरीका है। ठीक है, आपकी जो मंथली इनकम है उसका एक छोटा हिस्सा आप बोल सकते हो कि जैसे हम भगवान के डिवोटी होते हैं, ऐसे आपको छोटा सा हिस्सा छोड़ देना है पेनी स्टॉक के लिए कि भैया मैंने पेनी स्टॉक को एज अ भगवान मान के, जो भी आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक छोटा हिस्सा मैंने वहां पर चढ़ा दिया है एज अ प्रसाद के रूप में। अब वो क्या पता रिटर्न, देखो आप अगर प्रसाद चढ़ाते हो तो रिटर्न की अपेक्षा तो नहीं करते ना कि भैया रिटर्न मिलेगा, भगवान की मुझे ये दे देना, मैं मंगलवार का प्रसाद चढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर होता है तो लोग अच्छी बात है, नहीं होता ना तो आप प्रसाद चढ़ाते हो रिटर्न में, आपको छोटा मोटा वो प्रसाद मिलता है और कभी कभार बहुत बड़ा मिलता है। तो यही है पेनी स्टॉक का कॉन्सेप्ट, आपको छोटा सा प्रसाद चढ़ाना है तो 2% ऑफ योर मंथली इनकम, और वो जो 2% है 200%, 2000% भी बन सकता है, और क्या पता एक रेगुलर इनकम जनरेट हो जाए पेनी स्टॉक से आपकी, बिलीव मी, अगर ये आप प्रोसेस 10 से 15 साल फॉलो करोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो, बहुत बड़ा स्टेट मैंने बोल दिया है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, वो बताएगा जिसने पेनी स्टॉक्स में पैसा देखा है अच्छे खासा रिटर्न। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है दिखाता हूँ आपको, स्टॉक का नाम ज्यादा ज्यादा बड़ी बातें घुमाऊंगा नहीं, शायद आपका भी टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए सीधा शॉर्ट में दिखाता हूँ स्टॉक का नाम। तो स्टॉक का नाम आप लोग देख सकते हो, एक्सेल रियलिटी स्टॉक का नाम है, एक्सेल रियलिटी इंफ्रा, और लास्ट 5 दिनों में स्टॉक देखो लगातार बूम हो रहा है। ठीक है, बहुत से रिटर्न स्टॉक कमा के दे चुका है। ठीक है, और बाकी एनएससी बीएससी में आप देख सकते हो, एनएससी का भी शेयर है, बीएससी का भी शेयर है। ठीक है, बीएससी में आपको देखेगा 33 पैसे और एनएससी में आपको देखेगा 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखोगे तो आपको डिसेंट वॉल्यूम दिखेगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक वॉल्यूम आ जाता है एनएससी में भी। ठीक है, तो भाई ये स्टॉक अभी आपका यहाँ ट्रेड करा 1 महीने में, देखो कितना अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन लास्ट 6 महीने स्टॉक बहुत टूट चुका है। ठीक है, 91 से ऑलमोस्ट देखो कितना आ चुका था, पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। अगर मैक्स देखोगे तो भैया आपको देखेगा कुछ ऐसा चार्ट। ठीक है, एक वक्त में स्टॉक का प्राइस 11 पैसे 13 पैसे ट्रेड कर रहा था, राइट, और दोबारा सपोर्ट लिया से, एक मल्टी ईयर सपोर्ट बनता है इसका, ये 5 सालों का बिल्कुल इसने यही सपोर्ट लिया जो बनता है 33, 22 पैसे, 25 पैसे, 33 पैसे, 30 पैसे, वही सपोर्ट लेके दो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मैं यही बोलूंगा लॉन्ग टर्म के स्टॉक को होल्ड करो अगर आपके पास है, नहीं बाय कर पाए हो तो नीचे आएगा 40 पैसे या 35 पैसे, तो वहां स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो।
40 पैसे 35 पैसे स्टॉक को आप सोचना बाय करने की, उससे पहले मत सोचना, ठीक है? समझ आ गया? तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यही है आपका एक्सेल रियलिटी इन्फ्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लगातार आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बताया स्टॉक के बारे में। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड करिए, नहीं है स्टॉक तो आप वेट करो 35 से 30 पैसे आने का, वहां आपको डेफिनेट स्टॉक मिल सकता है।